नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज केमिस्ट्री पार्ट 6। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने चूनाश्म का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सीमेंट में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना मत पत्थर और मृतिका को। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को किलंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करती है, एलुमिना से सीमेंट का द्रुत आदरण होता है, कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आदरण समय घटता है। 1, 2 और 4। सीसा कांच है, एक अति शीतित द्रव। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? हरा रंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यूरेनियम ऑक्साइड पीला, क्यूप्रस ऑक्साइड लाल, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला, क्रोमियम ऑक्साइड हरा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसा कांच का। पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? लेड ऑक्साइड। चश्मे बनाने के लिए कांच का उपयोग किया जाता है क्रूक्स कांच। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट। अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजनीय उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिम में कौन से घटक हैं? कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। उर्वरकों के रूपों में कौन से कैल्शियम के लवण प्रयुक्त होते हैं? कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भीम जल में अविषालु पदार्थ के उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? फॉस्फेट और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मीथेन। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है? मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है CH4। धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? CH4, यानी इसका मतलब मीथेन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत। उपयुक्त कथनों में कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है? धान का खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। चारों। जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CH4, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? मीथेन, CH4। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? CHCIF2। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, फ्रियॉन। HCFC का विस्तार है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत घरेलू प्रस्तित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रियॉन। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रोपेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है LPG। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथीन का। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं पॉलीथीन की। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड व एसिटिलीन दोनों को। ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल का। से टेफ्लॉन क्या है? फ्लुओरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉली टेट्रा एथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लुओरो एथिलीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। किसमें sp संकृत कार्बन है? CH में, जिसमें डबल बंध होते हैं। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवी संभव हैं? 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। संशोधित स्प्रिट होती है 95% इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होती है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मरकेप्टन के कारण। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हीम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है।
क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? सिंपसन ने। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेदना हारक निश्चेतक है, फॉस्जिन उत्पन्न करता है। 2 और 3, क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। निम्नलिखित में से अश्रु गैस टीयर गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। एल्डिहाइड क्या है? प्रबल लघुकारी एजेंट। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है फॉर्मेलिन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? पिक्रिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? मिथेनोइक अम्ल। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चींटी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? सफ़ेद सिरका में। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। वेनिगर किससे बनता है? एसिटिक एसिड से। सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल के संचयन से। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? साइट्रिक एसिड की मौजूदगी के कारण। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? टार्टरिक एसिड। आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।